200 रुपए का नोट आप सभी लोगों ने देखा होगा। कभी सोचा है कि ये जो इसके ऊपर फोटो बनी है जिस जगह की, ये कहाँ की है? ये है यहाँ की सांची स्तूप, जो है ये सम्राट अशोक ने 3 BC में बनवाया था। उसके बाद जब समय बीता, इसकी हालत थोड़ी सी ख़राब हुई। उसके बाद ब्रिटिशर्स जब इंडिया आए, उन्होंने 1900 के बाद, मतलब 1900 से 1920 के बीच में इसको फिर से रीएस्टेब्लिश किया। जो इसकी सुंदरता थी, उन्होंने उसको ट्राई किया कि इसको कैसे और प्रिजर्व कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद ईयर 1989 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया। काफ़ी अमेजिंग है। चलते हैं अंदर और देखते हैं पास से कि ये कितना खूबसूरत है। गुड मॉर्निंग, 7 बजे सुबह की। आज प्लान है घूमने जाने का, क्योंकि आज छुट्टी का दिन है। तो उठो और चलो घूमने जाते हैं। स्नेहा अभी तक सो रही है, उठो। नहीं चलना है क्या? चलोगी साथ में? चलो स्नेहा को उठाते हैं, फ्रेशन अप होते हैं एंड फटाफट से यहाँ से निकलते हैं। सुबह सुबह चाय की चुस्की। हम लोग रेडी होकर बस निकल चुके हैं एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट विजिट करने के लिए। और वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो एक करेंसी के अंदर है। मैं आपको दिखाऊंगा कि वो कौन सी करेंसी है जिसके अंदर वो आती है और उसका पूरा इतिहास क्या है। सो चलिए चलते हैं और एंजॉय करते हैं। घर पे रहने का फायदा पता है क्या होता है? कहीं भी बाहर निकलो तो मम्मी टिफिन पैक पोहा बना के दे देती है। तो खाना वाना सब है हमारे साथ, अब निकल रहे हैं। बाकी बाहर भी नाश्ता वाश्ता तो करेंगे ही सही। एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग एंड आवर चैनल, लेट्स गो। चलो भाई नाश्ता टाइम, मैडम नाश्ता करेंगी इधर। हम लोग अभी इधर रायसेन डिस्ट्रिक्ट एंटर कर चुके हैं। यहाँ पे कोशियारी नाम का वैसा गांव है। आई एम नॉट श्योर मैंने उसको सही प्रोनाउंस किया कि नहीं किया, बट देन मोर ऑर लेस मैंने वो जो पूछा उस भाई से वो वैसा ही है। तो बहुत ही सुंदर सा एक छोटू सा एक स्टॉल टाइप का है। नाम तो फेमस है शायद। इसके बाजू में यहाँ पे एक पेट्रोल पम्प भी आया इसका, इंडियन ऑयल का। सो पेट्रोल भी भरा लिया गाड़ी में और बस अब नाश्ता करेंगे यहाँ से, मस्त पोहा और समोसा खाएंगे और उसके बाद यहाँ से निकले आगे। यह है समोसा एंड यह है पोहा और ये अलग से लाल चटनी। हाउ इज इट? ओके ओके, चलो ठीक है भाई। पोहा ओके, समोसा भी बताइए दो कैसा है। समोसा अच्छा है ना? समोसा अच्छा है, पोहा इज ओके। चलो भाई खा लेते हैं फटाफट से। वेलकम टू वर्ल्ड हेरिटेज साइट सांची। बाहर ही टिकट ऑफिस है, वहाँ पे बस हम लोग टिकट्स ले रहे हैं। टिकट्स ले लिए हैं भाई, 40 रुपए का एक टिकट है। और जो यहाँ का ये है म्यूजियम है, उसका 5 रुपए का टिकट अलग है। वो मैंने अभी लिया नहीं है, वो मैं रिटर्न में ले लूँगा। सो अभी ये है स्तूपा का टिकट। सो हम लोग पहुँच चुके हैं सांची स्तूपा के आसपास ऐसे उसके कंपाउंड में ही हम लोग अभी। और ये है यहाँ का पार्किंग स्पॉट। स्नेहा ने एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया है। अब हम क्विकली जाएंगे ऊपर की तरफ। सामने देखिए वो स्तूपा का आपको फर्स्ट लुक यहाँ से दिख रहा होगा। जाएंगे स्तूपा करीब से देखेंगे। चलिए, यहाँ पे साउंड एंड लाइट शो भी होता है जो रात में होता होगा यूजुअली, इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में। हाँ लेज़र शो भी है। एंड देन यस, वेलकम टू द बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स एट सांची, अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। हम यहाँ पे गाड़ी में फिर से हमारा ड्रोन, सेल्फी स्टिक और गिम्बल रखने आए हैं, क्योंकि यहाँ पे अलाउड नहीं है। पता नहीं यहाँ पे सेल्फी स्टिक क्यों नहीं अलाउ कर रहे हैं, बहुत सरप्राइजिंग है, बट ठीक है। अभिषेक सैड, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई नहीं। विल ट्राई एंड कवर एवरीथिंग विद गोप्रो। सो वी वेलकम यू टू द बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स एट सांची, अ वर्ल्ड हेरिटेज मेंटेन बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। लेट्स टेक अ क्लोजर लुक।
बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही लोग हैं यहाँ पे, काफ़ी सारे टूरिस्ट हैं। There are some monks as well जो लोगों को यहाँ के बारे में बता रहे हैं। सो ये अंदर एंट्री लेते से एक बुद्धिस्ट की प्रतिमा है जिनका फेस तोड़ दिया गया है। दिस इज एंट्री फ्रॉम अनदर साइड। सो अब मैं सीढ़ी चढ़कर ऊपर आ चुका हूँ फर्स्ट फ्लोर पे, एंड आई एम लाइक बहुत ही करीब आ चुका हूँ मैं इस स्तूपा के, जो मेन यहाँ का स्तूपा है। जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया कि ये ग्रुप ऑफ स्तूपाज हैं, एंड यहाँ से जो व्यू है वो मैं आपको दिखाता हूँ, सिनेमैटिक व्यूज़ थोड़े से, कि कैसा है वो व्यूज़ एंड हाउ ब्यूटिफुल इट इज़ लुकिंग। लेट्स हैव अ लुक। बहुत ही बारीकी से यहाँ पर जो दीवारों के ऊपर जो काम किया गया है वो बनाया गया है, देखिए कितना ज़्यादा डिटेलिंग है इसके अंदर। बहुत ही सुंदर है। 200 रुपए का नोट आप सभी लोगों ने देखा होगा। कभी सोचा है कि ये जो इसके ऊपर फोटो बनी है जिस जगह की, ये कहाँ की है? ये है यहाँ की, है ना सेम? दिस इज सांची स्तूपा ऑन 200 रुपी नोट, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। हमारे घनिष्ठ मित्र प्रशांत भानु जी यहाँ विदिशा में रहते हैं, तो हमने इनको बुला लिया कॉल करके कि भाई आ जाओ, थोड़ा हमें गाइड की जरूरत है। आ गए हैं, अब ये बनेंगे हमारे गाइड रेस्ट ऑफ द स्तूपास के लिए। चलो प्रशांत जी पहले इधर से देखो। स्टॉप यू। ये जो है ना वो मॉन्क, जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स रहते थे उनके वो बने थे जो घर टाइप कैंप्स, नहीं मतलब रात को आके सोना इसके अंदर, वो उस टाइप से था। अच्छा, जो मॉन्क्स का स्टे का बना है वहाँ पे एक हौदी भी है, यहाँ पे अज्यूमिंग की बात वगैरह लेते होंगे वो लोग। सो ये यहाँ का थोड़ा और डिटेल, जो मॉन्क्स यहाँ पे रहते थे उनका, ऐसा कहा जाता है, और मतलब कहा नहीं जाता है, दिस इज द फैक्ट, कि जो यहाँ का सैंडस्टोन जो लोकल एरिया में यहाँ पे मिलता था, ये पूरा जो मॉन्यूमेंट है ये इसका सब कुछ आर्किटेक्चर जो है उसी से बना हुआ है। और उसके बाद जब यहाँ पर ब्रिटिशर्स आए और उसके बाद जब रूल्स चेंज हुए एंड ऑल दोस थिंग्स, उसके बाद इसको ऊपर से और थोड़ा कवर करके इसको और मजबूत बनाया गया, बट देन दैट इज़ द फैक्ट। सो दीज आर द बंकर्स ऑफ मॉन्क्स जो यहाँ पे आते थे पढ़ाई वढ़ाई करने के लिए। तो ऐसा सुना है कि गौतम बुद्ध यहाँ पर कभी भी नहीं आए, बट उनके जो डिसाइपल्स और उनके जो दूसरे मॉन्क्स होते थे वो यहाँ पर ज़रूर आते थे। यह है वो स्टोन जिसके बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, इसको हम एक बार करीब से देख लेते हैं। वाह, लुक्स कूल। हम लोग अब जा रहे हैं यहाँ के तीसरे स्तूपा की तरफ। तो यहाँ पे पहले लोग बोलते थे कुआ हुआ करता था। हाँ जी, वो कुआ बंद कर दिया, उसके अंदर लिटरली चाचा फिट के बैट्स हुआ करते थे, चंदागढ़ कुएं में अंदर रहते थे यहाँ, बट वो कुआ बंद कर दिया, वो बहुत ह्यूमन साइज के बैट्स हुआ करते थे। बोला जाता था कि बहुत पहले कि बच्चों को उठा के ले जाते थे, तो 4 फीट के तो बहुत बड़े हो गए, बहुत बड़े होते थे, बट वो अब जो स्पीशी थी वो डिस्टिंक्ट वो हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई। ओह, फिर वो कुआ वगैरह भी बंद कर दिया, इधर ही कहीं नीचे जाके हुआ। चलो देखते हैं, थोड़ा खोज के आते हैं। नीचे अपन ज्यादा जाएंगे तो फिर नीचे ही उतर जाएंगे। उदयगिरी केव जैसा अच्छा है, वहां पे विष्णु भगवान की 17 फीट की स्लीपिंग वो है। बहुत चलते हैं, देखते हैं, उधर भी चल चलेंगे। ये है पूरा डिटेल्स यहाँ का, थोड़ा सा फेड भी हो गया। यहाँ नीचे पूरा उतर के आता है। हाँ जी, इधर अपन जा रहे थे अभी। हाँ, ये स्तूप नंबर 1 है, मेन स्तूप जिसे हाँ। बोलते हैं, और जो ये नीचे ये स्तूप नंबर 2 है, जो सेकंड तो बिगेस्ट स्तूप है वो नहीं। अच्छा, और बिल्कुल नीचे उतर के जो था ये देखो ना पूरा, वहाँ हम नहीं गए, बहुत दूर था क्योंकि और धूप काफ़ी ज़्यादा हो रही है।
सो ये जो सामने स्टोन रखे हैं उसका हिस्ट्री है, ये सम्राट अशोक ने बनाया था और इस पर जो भिक्षु होते हैं, भिक्षु भिक्षुणियों को बौद्ध संघ से निकालने की चेतावना दी है इस पर जो स्क्रिप्चर लिखा है उस पर। सो लेट्स फाइंड दैट स्क्रिप्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द स्टोन। यस अंकल, दिस इज अ कंप्लीट पिलर, इट हैज बीन पॉलिश्ड विद लेदर स्ट्रैप्स। ओके, and at one point of history it was broken into two by a local chieftains, kisi zamindar ne, haan ji haan ji, isko ganna peerne ke liye use kiya tha. This is how public has been treating the history. Correct, correct. सब डिक करके जो निकली हाँ। है ना, वो सब यहाँ पे रखी हुई है काफी सारी और टूटी फूटी है, मतलब बहुत ज्यादा सही शेप एंड फॉर्म में नहीं है। दिस लुक्स लाइक सो स्पेस जहाँ पे शाम में आई थिंक बैठ के कुछ काम करना या कुछ बातचीत करने का काम रहता होगा, या मौन धारण भी यहाँ पे कर सकते हैं। दिस स्पेस थोड़ा सा ऊपर की तरफ है ये, और सामने आप देखिए कि जो स्क्रिप्चर्स हैं वो थोड़े से डैमेज्ड हैं, और ये भी एक बैठने का स्पेस टाइप का ही मुझे लग रहा है। नॉट सो श्योर कि क्या होगा, बट मोर ऑर लेस वैसे ही लग रहा है। सो सामने आपको जो दिख रहा है वाइट, वो पूरा विदिशा सिटी है यहाँ से दिखता है इस स्तूपा के टॉप से। यहाँ पे काफ़ी सारे रैबिट्स एंड डग्स भी हैं। So this was all about Sanchi Stupa in Madhya Pradesh. We hope कि आपको ये vlog और जो भी details हमने देने की कोशिश करी है वो आपको ठीक लगी होगी, and कहीं ना कहीं आपको details useful रहेंगी, and मे भी हो सकता है कि ये देखने के बाद आपको यहाँ आने की इच्छा हो जाए और आप यहाँ विजिट करें। मस्ट विजिट प्लेस। यहाँ पर एक लेज़र और लाइट शो भी होता है जो कि इवनिंग्स में होता है, सो अनफॉर्चुनेटली हम वो मिस कर देंगे, बट देन आप अगर प्लान करें तो कम एंड ट्राई एंड कम इन द इवनिंग, क्योंकि वो लेज़र शो काफ़ी अच्छा होता है ऐसा प्रशांत बता रहा है। So that's all for today. On that note, don't settle for average because nothing is impossible. Take care. Tata. Bye bye. If you have liked our work, please feel free to like this video. And if you are new on the channel, please subscribe.